बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MTH 104 पार्ट टू वीडियो का बना रहे हैं, राइट द कॉर्डिनल। इससे पहले वाला आपको जो पार्ट है वीडियो का, वो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वो भी देख लें। उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। मैं आपके साथ कुछ पेपर शेयर करने लगी हूँ। राइट द कॉर्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग दैट एक्स इज नेचुरल बिटवीन 20 to 50, विच इज़ डिविजिबल बाय 7। तो आपने कॉर्डिनल नंबर बताने हैं जो आपका नेचुरल नंबर है वो 20 से 50 तक है, और वो वाले नंबर बताने हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 हो। ठीक है, आपने इसको बताना है। देन आप कह सकते हैं कि आपके पास कौन से नंबर आ सकते हैं। 21 आ सकता है, इसके अलावा आपके पास 7 के जो हैं वो मल्टीपल्स, नेक्स्ट 28 आ सकता है, फिर आपके पास 35, 42 एंड 49 जो है वह इसका आंसर होगा, विच इज़ डिविजिबल बाय 7। देन आपके पास है P, कंजक्शन निगेशन P, आपने प्रूव करना है, आपने ट्रूथ टेबल बनाना है इसका P और निगेशन P। P आपने लेना है, देन आपने उसका निगेशन ले लेना है, देन आपने उसका डिसजंक्शन लेना है। डिसजंक्शन कब होता है, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हों तब वो फॉल्स होता है, और आपने बताना है कि ये टोटोलॉजी है। देन आपके पास है ABC, आप कंसिडर द सेट, इससे पहले भी ये जो है वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आपने इसके उसके पावर सेट बनाने हैं और उसकी चेंज बतानी है। देन नेक्स्ट है गिव अ डायरेक्ट प्रूफ ऑफ द थ्योरम इफ एन इज एन ऑड इंटीजर एंड एन स्क्वायर इज ऑड, के डायरेक्ट प्रूफ से बताने की। आपके पास 75 LMS का लेक्चर है कि डायरेक्ट प्रूफ से बताएं, इफ एन इज ऑड इंटीजर देन एन स्क्वायर इज ऑड। तो आपने कहना है कि एन ऑड है देन एन स्क्वायर इज ऑड, आपने इसको प्रूफ कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, तो आपने ये ज़रूर देखनी है। देन नेक्स्ट है द मैपिंग इफ एन से पी ऑफ एन इज डिफाइंड बाई एन स्क्वायर माइनस टू एम माइनस वन वेयर एन डिटरमिन द सेट। अब वो मैपिंग हो रही है और आपने बताना है, और उन्होंने कहा है कि कोई सेट डिटरमिन करें कि वो एन जो है वो फंक्शन ऑफ एन से बिलोंग करता है कि नहीं। देन नेक्स्ट है कंसीडर टू फाइनाइट ऑर्डर सेट A1 A2। देन इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि उसने कहा ऑर्डर ऑफ A इज़ लेस देन ऑर्डर ऑफ B। इस क्वेश्चन में आपने एक नया सेट बता देना है B5, तो आपने उसमें एलिमेंट्स ले लेने हैं B1 B2 B3 B4। तो आपने कहना है कि B5 और B6 के इक्वल रख लेना शायद इसको। देन आपने कहना है कि वो A1 A2 A3 A4 से छोटा है, और ये प्रूव कर देना है। ये ऑलमोस्ट 3 से 4 लाइंस का क्वेश्चन है। कंसीडर अ सेट इज विच इज़ डिविजिबल, डिटरमिन ऑल द कंपेरेबल नॉन कंपेरेबल पेयर ऑफ एलिमेंट्स। आपने कंपेरेबल बतानी है और नॉन कंपेरेबल बतानी है। तो कंपेरेबल जो कि डिवाइड हो जाते हैं, नॉन कंपेरेबल जो कि फुली डिवाइड नहीं होते। देन आपके पास अपने सेट्स निकाल लेने हैं और उसको एक्सप्लेन कर देना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फाइंड अ काउंटर एग्जांपल। इससे पहले वाली वीडियो में एक काउंटर एग्जांपल वाला क्वेश्चन शेयर हुआ है, अब वो आपने देख लेना है। वो वाला क्वेश्चन उसके अंदर 4 पार्ट्स बने हुए हैं और एक लाइन का होप आई थिंक सो उसका आंसर है, तो आपने वो देख लेना है। तो उसके बाद है कंसीडर यूल ऑर्डरिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, पी इज़ नॉट ऑर्डर आइसोमॉर्फिक। आपने इसका यूल ऑर्डरिंग बताना है, तो आपके पास इसकी यूल ऑर्डरिंग 1 2 3 डॉट डॉट एट -1 -2 -3 आ जाएगी, और आपने इसकी बताना है कि ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की है, तो इंटीजर्स के लिए आई थिंक सो यूल ऑर्डरिंग जो होती है वो ऑर्डर आइसोमॉर्फिक नहीं होती है। ये आपके पास क्वेश्चन है काउंटर एग्जाम्पल वाला, ये इसके 4 पार्ट्स बने हुए हैं और आपका ही पास इसका आंसर है। ये इसका आंसर है। अगर आपने इसका आंसर समझना है कि ये किस तरह से आ गया, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसके आंसर को एक्सप्लेन किया है, आप वो भी जो है वो वीडियो देख लें। होप सो कि आपको जो है वो इसका आंसर समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह जो मज़ीद आपके पास मैथमेटिक्स के एंड कुछ और पेपर जाएंगे, तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी फाइनल टर्म्स के। अगर आपको अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ MTH 104 की ये वीडियो जो है वो शेयर करें, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करें कि पेपर किस तरह से आ रहा है, क्योंकि MTH 104 के जो है वो पास्ट पेपर अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास जो करंट पेपर्स हैं, आप करंट पेपर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और आपका पेपर जो कह रहे हैं कि MCQs कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके पास MCQs कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं। अगर आप LMS के लेक्चर्स जो है वो सारे लेते हैं, तो आपके LMS के लेक्चर्स के अंदर से ही MCQs बनकर आ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्चुअल MCQs नहीं है। सिंपल सी बातें वो हैं जो वो पूछ रहे हैं, और सब कह रहे हैं कि MCQs कॉन्सेप्चुअल हैं। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।